आज के हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में हम एमएस एक्सेस में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो क्यूरी से आगे का चैप्टर है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्यूरी के अंदर में कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हाँ अब क्यूरी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास मेक ए टेबल क्यूरी के बारे में। जैसे कि अभी आप जो क्यूरी रन कर रहे हैं, जैसे क्यूरी वन को मैंने रन कर दिया, तो डेटा जो दिख रहा है इसी पे दिख रहा है, राइट। हाँ और मतलब कि एक ही बोर्ड है, समझिए कि उसी बोर्ड पे आपको दिख रहा है हर टाइम, और क्यूरी चेंज होती है तो ये अपने आप को भी चेंज कर लेता है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे कि उसका एक अलग टेबल बन जाए, ओके हाँ समझ गए, कि मैं जो कंडीशन लगाऊं रन करूं वो टेबल वो अलग बन जाए। तो इसके डिजाइन में देखिए, सिलेक्ट क्यूरी के जस्ट बगल में मेक ए टेबल का क्यूरी बना हुआ है। तो हाँ मेक ए टेबल पे हम क्लिक करेंगे, टेबल नेम, टेबल नेम क्या होना चाहिए। तो मैं टेबल नेम जो है यहां से लेता हूं कि मेरा सीट वन का है, एंड ओके करता हूं, ठीक है। और मैंने यहां से बोला कि भाई पूरा डेटा होना चाहिए, और बाद में हमने यहाँ सिटी कोड में कंडीशन दिया कि भाई वो पुणे का होना चाहिए, और ये विजिबिलिटी हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव करता हूँ, क्यूरी सेवन को। क्यूरी सेवन को सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रन करूंगा, यस कीजिए, सॉरी हमने गलती कर दी, हमने क्यूरी डिजाइन व्यू में आते हैं, सिलेक्ट से मेक टेबल पे जाएंगे, सीट वन है ना यहाँ पे, यहाँ पे नाम डाल दीजिए डेटा वन। छोटी सी गलती हो गई थी, सेम नाम के दो सीट नहीं बन सकते हाँ ना। यस यस, ठीक है। तो देखिए हाँ डेटा वन आ गया, इसमें पुणे का आगुबा डेटा, समझ ओके गए। अब सिटी हाँ वन में मुझे ये देखना है कि पुणे जो है सिटी में एक था, हमें यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। वो एक ही था सर, सॉरी गलती नहीं किया उसने। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैं अपनी क्यूरी रन करूं, ठीक है, हाँ जैसे हम क्यूरी रन करूं तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं डिजाइन में, जैसे मैं क्यूरी रन करूं तो वो मुझसे पूछे किसका बनाना है। यहाँ बड़ी ब्रैकेट में हम डाल देंगे प्लीज एंटर सिटी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेटा वन के नाम से ही बनाएगा एवरी टाइम। मैं चाहता हूं कि अपने आप को बार बार चेंज करे, मतलब दूसरा नाम हाँ दे, क्योंकि डेटा एक टेबल में एक ही बन पाएगा, दूसरी बार बार फिर वो डेटा वन जैसे भी दिक्कत करेगा ना। तो हाँ इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसमें ऑटोमेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फिक्स अप है, इसीलिए हमने सिक्वल का प्रावधान रखा हुआ है। यहाँ सिक्वल व्यू में जब जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिक्वल के थ्रू क्रिएट अ टेबल का लगाते हैं, जो कि आगे क्लासेस में आपको हम बताएंगे, समझ अच्छा गए ना। अब इंटो ठीक डेटा वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा वन। तो जैसे ही आप इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके अगर मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर दूं तो कुछ हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा, बड़ी ब्रैकेट में अगर मैं डाल दूं डेटा टेबल, क्यूरी सेवन,
सिटी हमने दिया पुणे, यहाँ पे मान लीजिए नोएडा देता हूँ, नोएडा। नहीं देखिए यहाँ पे डेटा टेबल नाम दे दिया, ठीक है। हाँ उसके लिए बट इसको हमें, मुझे वापस उसके लिए हर एक वापस रिनेम कर सकते हैं इसको आप, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आगे चल के जब आप इसका यूज करोगे तो आगे चल के इसका हम लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं, समझे। क्रिएट अ टेबल का हम लोग एक डेटा निकाल लगाते हैं, अपना एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं, जहाँ पे एसक्यूएल खुद ब खुद लगा। अभी देखिए एसक्यूएल क्या कर रहा है, जस्ट डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बट ये बाकी वापस अगर रन करेंगे तो फिर भी वापस ये डेटा टेबल के नाम से ही शो करेगा ना, हाँ डेटा टेबल और फिर वो रिनेम करने के लिए बोलेगा, वर्क नहीं करेगा, एक बार में एक ही वर्क करेगा। सिर्फ पहले आपको डेटा टेबल को डिलीट करना पड़ेगा या फिर रिनेम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिक्वल क्यूरी के मतलब क्या होगा कि हर बार वो अलग नाम देगा अपने हिसाब से। तो वो क्यूरी मैं आपको बताऊंगा अभी 2-4 क्लास बाद, उसकी क्यूरी के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मेक ए टेबल समझ में आ गया, मेक ए टेबल क्या करता है। हाँ अब बात करते हैं हम यहाँ अपेंड क्यूरी के बारे में। अपेंड क्यूरी क्या करता है, अपेंड क्यूरी जैसे कि किसी टेबल में, जैसे कि अभी हमने मान लीजिए डेटा टेबल ही बनाया ना, हाँ तो डेटा टेबल में क्या है कि नोएडा का डेटा को इसने डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम मैं चाहता हूं कि मैं रन करूं तो दूसरी सिटी के लिए मैं अलग से टेबल ना बनाऊं, मैं इसी टेबल में नीचे ऐड कर दूं, समझ गए। इसी हाँ टेबल में नीचे ऐड कर दूं, उसके लिए हम जाते हैं डिजाइन क्यूरी में और हम यहाँ सीट वन सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास अपेंड क्यूरी होता है। अपेंड क्यूरी हाँ टेबल नेम, किसमें आपको ऐड करना है, तो मुझे ऐड करना है डेटा टेबल, अपेंड टू दिखा है ना, अपेंड टू टेबल नेम डेटा टेबल। तो यहां से फील्ड, फील्ड में हमने सी वन ले लिया और यहाँ पे हमने दे दिया सिटी, सिटी कोड और यहाँ क्राइटेरिया में एंटर सिटी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं क्यूरी 8 को अन करूंगा, यस। मुझे पूछेगा एंटर सिटी, तो मैंने यहां पे डाल दिया डीजीएम, हमने कुछ गलत किया है क्या। सिटी को जीजीएन देखिए। ओ, हमने यहाँ पे छोटी सी गलती, इसकी सिक्वल कोड देखता हूँ क्या है, इंसर्ट इनटू डेटा टेबल। अच्छा ये सिटी कोड आ गया ना, यहाँ पे दिक्कत था सर, क्यों, क्योंकि हमने जो ये लगाया है, ये कोड लगाया है यहाँ पे, अगर मैं इसकी नॉर्मल की बात करूँ थोड़ा सा यही दिक्कत होता है, लेकिन सिक्वल जो होता है बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज होता हाँ है ना। ये यहाँ पे जो है इसको हटा दीजिए, क्योंकि ऐड कर रहा है ना ये, तो हाँ यहाँ पे हम सिटी कोड ले लेते हैं और सिटी कोड में यहाँ पे लिख देते हैं पुणे, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लीज एंटर सिटी, ताकि वो सिटी जब डालेंगे तो वो हम इसका ऐड करेंगे। और इसकी आप सिक्वल क्यूरी दे, सिक्वल लिखते हैं वो, हाँ
यहाँ पे कंडीशन लगाना होता है, वेयर इस तरह से देख लीन, डिजाइन व्यू में आते हैं। यहाँ पे अगर मैं सीपी कोड लिया और क्राइटेरिया तो ही डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे डाल देता हूँ प्लीज मोटे प्लीज एंटर। ठीक है, सिंपल कोड में देखिए क्या है, सिंपल व्यू यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द, ये देखिए दिखा रहा है आपको सिटी कोड, तो सिटी कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जाएगा कंडीशन लगाया सीट वन हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्यूरी एक अपन क्यूरी चलाऊंगा तो सिटी जो है सारे के सारे आपको, इसी में डाल दिया जीजीएम डुप्लीकेट आउटपुट डेस्टिनेशन सिटी कोड। दूसरा कोई सीट डाली उसमें। नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं है, सिटी कोड पे दिक्कत कर रहा है ना। अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ देखिए ये दिक्कत था, ये कोड नई कोड एक नई फील्ड बना रहा है ना सर, नहीं हटाना था। डिजाइन व्यू और उसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं, अब देखिए 14 डिवीजन इसके नीचे ऐड कर दिए। तो मैंने क्या किया आपसे बताता हूँ, मैंने क्या किया, पता है क्या है कि हाँ कंडीशन लगाते हो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो डिजाइन व्यू में सब कुछ सेम था, ठीक है, बस यहाँ जो फील्ड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फील्ड नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं डिजाइन करके तो इसको सेव करता था तो मुझसे दिक्कत करता था, तो हमने क्या किया यहाँ पे इस तरह से लिख के देखिएगा पहले, ठीक है, डिजाइन व्यू हाँ में कि आप पहले यहाँ पे पूरा टेबल चाहिए तो ठीक है पूरा टेबल डाल दीजिए, उसके पूरा टेबल उसके बाद इसे पूरा डाला हुआ है। अगर एक एक मान लो कि इंडिविजुअल डाल, आपको ये चीज कब दिक्कत नहीं होती, जब इंडिविजुअली आप डालते हैं ना इंडिविजुअल तो दिक्कत नहीं होता, बट हमने यहाँ ये सिटी कोड ले लिया। अब यहाँ पे हमने डेटा टेबल अपेंड टू किसमें करना है, डेटा टेबल करना है अपेंड टू, देखिए कंडीशन है कि मुझे एक पर्टिकुलर सिटी का ही डेटा डालना है, राइट। ओके तो मैं यहाँ पे सिटी कोड सीट वन दे दिया और यहाँ पे हमने ले लिया कंडीशन डालना, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इसमें भी डालने के लिए बोल रहा था सिटी का, नहीं बोला ये ब्लैंक नहीं रहेगा, बट तो जस्ट कंडीशन के लिए है कि इस कंडीशन के लिए था हमारा। तो हमने कुछ नहीं किया, सिक्वल क्वेरी में गया, सिक्वल व्यू में गए, इसके आगे जो सिटी कोड था और इसके आगे सिटी कोड था उसको डिलीट कर दिया, सिंपल, समझ गए। हाँ लेकिन ऐसे डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस कारण से डिलीट करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे लिख के देखिएगा, अगर ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको स्कूल कुछ में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज आपने सीखा और सीखा मेक ए टेबल और अपेंड क्यूरी, कल हम आपको अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस स्टेप तो पढ़ चुके हैं हम, हाँ
अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ओके है? मिलते हैं कल सेम ठीक टाइम। ओके ठीक।